तो यस गाइस, अगर हम बात करें आज से 2-3 साल पहले की, तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली याद होगी कि जो यूट्यूब होता था वो किसी भी आर्टिस्ट के सक्सेस का बेंचमार्क होता था। यस गाइस, किसी भी सॉन्ग की जो सक्सेस है वो यूट्यूब पे उसके व्यूज़, उसके ट्रेंडिंग में आने से ही डिटरमाइन की जाती थी। और ये समझा जाता था कि किसी भी आर्टिस्ट को और उसके सॉन्ग को तब तक हम सक्सेसफुल नहीं बता सकते जब तक उसके सॉन्ग ने एक्चुअली में यूट्यूब में कुछ बड़े नंबर्स अचीव ना किए हो। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका पर्पस है कि कोई भी आर्टिस्ट वहाँ पर अपने कंटेंट को अपलोड करे और उस कंटेंट को बाकी लोगों तक लेकर जाए। अगर किसी को आपके कंटेंट में इंटरेस्ट है तो वो यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपके कंटेंट को एक्सप्लोर करे। और जब बात आती है एक्सप्लोर की, तो आज से काफ़ी टाइम पहले तक भी हम नए आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करते थे थ्रू यूट्यूब और यूट्यूब के फीचर्स लाइक ट्रेंडिंग सेक्शंस। यस गाइस, मैंने कई आर्टिस्ट को खुद इस तरह से एक्सप्लोर किए हैं जो कि मेरे को, जिनके बारे में नहीं पता था, बट जब मैंने वो वीडियोस, उनके सॉन्ग्स को ट्रेंडिंग सेक्शन में देखा यूट्यूब के, और वहाँ से मुझे उन आर्टिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चली और उसके बाद से मैंने उन आर्टिस्ट के म्यूज़िक को और ज़्यादा क्लोजली डिग आउट करना स्टार्ट किया। बट अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है और अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम आर्टिस्ट को जो डिस्कवर कर रहे हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। एक लेमैन, एक कॉमन मैन जो है वो अपने किसी भी आर्टिस्ट को एक्सप्लोर कहाँ कर रहा है आज की डेट में, नंबर वन वो कर रहा है इंस्टाग्राम के फीड्स में, जहाँ पर रील्स में आपको नए नए सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं। आप नए रील्स देखते हो और आपको पता चलता है कि एक नया सॉन्ग आ चुका है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा रील्स बना रहे हैं। फिर आप उस सॉन्ग को सुनते हैं और उसके बाद आप उस सॉन्ग के बारे में जानते हैं, उस आर्टिस्ट के बारे में जानते हैं, और इस तरह से आप एक आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करते हैं, आप एक आर्टिस्ट को डिस्कवर करते हैं, एक नए म्यूजिक को डिस्कवर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने पास में देखा, किस तरह से कलेशी चोरी जो डीजे मॉडल भाई का है वो कितना बड़ा हुआ, रियार साहब का ऑब्सेस बड़ा हुआ, और ये सारे के सारे सॉन्ग सिर्फ रील्स पे पहले बहुत ज़्यादा पुश हुए, रील्स पे काफ़ी लोगों ने प्रमोट किया, उसके बाद हमने इन आर्टिस्टों को डिस्कवर करना स्टार्ट किया और इन टैलेंटेड आर्टिस्टों का कंटेंट हमने और ज़्यादा डिग आउट करना स्टार्ट किया। नंबर टू, हम सॉन्ग्स को एक्सप्लोर करने लगे हैं आज की डेट में सजैम चैट्स में। सजैम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आप किसी भी सॉन्ग जो आपके आसपास आपके बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा है, आप सजैम करके उस सॉन्ग को डिस्कवर कर सकते हैं कि वो किस आर्टिस्ट का सॉन्ग है और उस एक्चुअल सॉन्ग का नेम क्या है। तो उसके थ्रू भी काफ़ी लोग हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए आर्टिस्ट की तरफ जा रहे हैं। स्पॉटिफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है गाइस। स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट हम सारे लोग काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। स्पॉटिफाई के एल्गोरिथम्स कुछ इस तरह के कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉनरे, किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट, किसी मूड के आप सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, तो उसी तरह के, उसी सिमिलर जोन के आर्टिस्ट को स्पॉटिफाई भी रेकमेंड करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक बहुत सारे नए आर्टिस्ट हम स्पॉटिफाई पे जाकर सुनते हैं। पर्सनली अगर आप मेरी बात करो तो हिप हॉप 91 एक ऐसी प्लेलिस्ट है स्पॉटिफाई की जिसको मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, और वहाँ पर किस तरह का कंटेंट पुश हो रहा है, किस तरह का आर्टिस्ट, कई नए आर्टिस्ट वहाँ पर मैंने एक्सप्लोर किए हैं जो अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं। यस गाइज, ये सारे ही फीचर्स, ये सारे ही जो बेनिफिट्स आर्टिस्ट को मिल रहे थे थ्रू यूट्यूब आज से 2-3 साल पहले, अब वो सारे फीचर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म सजैम, आपका इंस्टाग्राम रील्स, आपके स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, वहाँ से आर्टिस्ट को मिल रहे हैं। इसलिए ये सारे ही जो आर्टिस्ट डिस्कवरी हो रही है, जो आर्टिस्ट को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई म्यूजिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सारा इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रहा है। यूट्यूब सिर्फ एक होस्टिंग, यस गाइज, यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म बन के रह चुका है। तो गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिस्ट डिस्कवरी। अगर आप ध्यान से केयरफुली देखेंगे तो यूट्यूब में एल्गोरिथम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, थंबनेल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिस्ट का नाम वहाँ पर, आपका टाइटल क्या, डिस्क्रिप्शन क्या, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन केसेस में एक एस्टेब्लिश आर्टिस्ट को जो बेनिफिट मिलते हैं इससे, वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, अगर मेरे को वहाँ पर ट्रेंडिंग सेक्शन या फिर नॉर्मल भी अपना ब्राउज करते हुए कैसे आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है कि उनका नया सॉन्ग आ चुका है, जहाँ पर उनके थंबनेल में उनका फोटो है, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में उनका नाम है, तो मैं 100% जाके क्लिक करने वाला हूँ अगर उस आर्टिस्ट के बारे में आपको पता है और उनके म्यूज़िक के साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ। ये चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर आर्टिस्ट बड़ा हो, अगर वो पॉपुलर हो, अगर आप उसको जानते हो और अगर उसका फैन बेस है, आपको पता है कि अच्छा म्यूज़िक बनाता है, तो जाके आप ये सुन सकते हो। बट अगर इसके बाद आप केयरफुली देखेंगे तो आज की डेट में यूट्यूब पे आपको ब्राउज सेक्शन में या तो गेमिंग चैनल्स या फिर व्लॉगर्स या फिर मोटो व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, आपको इस कम्युनिटी के ज़्यादा कंटेंट को पुश आपको देखने को मिलेगा कि यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा इस इन कम्युनिटीज़ को ज़्यादा पुश कर रहा है और म्यूज़िक कहीं ना कहीं इसमें लैग बिहाइंड कर रहा है। ट्रेंडिंग सेक्शन में भी अगर आप जाकर देखते हो तो बहुत कम म्यूज़िक, पहले म्यूज़िक से ट्रेंडिंग सेक्शन भरा होता था, बट अब अगर आप वहाँ पर जाकर देखो तो डेली व्लॉगर्स, टीवी सोप्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, मोटो ब्लॉगर्स देखने को मिलेंगे, कॉमेडी चैनल्स, प्रैंक चैनल्स, इनके वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, रोस्टिंग चैनल्स के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो यस गाइस, कहीं ना कहीं इन सारी ही कम्युनिटीज़ के बीच में म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, काफ़ी ज़्यादा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इग्नोर उसे किया जा रहा है। और गाइस, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस किया है कि काफ़ी सॉन्ग्स जो आप देखते हैं यूट्यूब पे, उन पे काफ़ी ज़्यादा एड्स लगाई जाती है, तो आपके सामने मोस्टली वही सॉन्ग्स आते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा पुश किया जाता है लेबल्स के थ्रू, आर्टिस्ट के थ्रू, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के थ्रू, आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा एड्स लगाई जाती है। एड्स ड्रिवन सॉन्ग्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं यूट्यूब में, एड्स लगा के आप अपने सॉन्ग को प्रमोट करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि
एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके पास बजट नहीं अपने सॉन्ग को प्रमोट करने का, पुश करने का, वो एड्स नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से उनके सॉन्ग्स को वो रीच नहीं मिल पाती है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो व्यूअरशिप नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जिसके पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, इतने ज़्यादा ऐड लगाने के रिसोर्सेज नहीं है, वो कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर लेता है। और यही प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको देने वाला हूं सॉल्यूशन जिसके थ्रू आप इजीली अपने YouTube चैनल पे व्यूज़ गेन कर सकते हैं और ज़्यादा एंगेजमेंट आप कर सकते हैं। तो यस गाइस, सबसे पहला सॉल्यूशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ बहुत सिंपल है। मैंने सबसे ज़्यादा ये देखा कि जब आपके YouTube पे व्यूज़ नहीं आते हैं तो आर्टिस्ट क्या करते हैं कि आप Instagram पे जाते हैं, Facebook पे जाते हैं, वहाँ पर अपने सॉन्ग्स की एड्स रन करते हैं, जो कि YouTube पे जाके जो भी उसको क्लिक करता है एड को, वो YouTube पे जाके आपकी वीडियो को देख सकता है। तो गाइस ये करना आप एज इट इज़ अभी से अभी छोड़ दीजिए। रीज़न मीन, आज की डेट में अगर कोई भी इंसान या फिर इनफैक्ट अगर मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करना चाहता हूँ, कुछ रील्स देखना चाहता हूँ, अगर मेरे को वहाँ पे कोई ऐड आती है एक अननोन आर्टिस्ट की, गाइस मार्क माय वर्ड्स, अननोन आर्टिस्ट की, तो मैं कभी भी एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं अपना मनपसंद का कंटेंट देख रहा हूँ, जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, एक ऐड की वजह से मैं उस पर क्लिक करके एक दूसरे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे नहीं जाने वाला हूँ, अनलेस कि वो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, अनलेस कि उस आर्टिस्ट का म्यूज़िक के साथ मैं रिलेट करता हूँ, मैं उस आर्टिस्ट का फैन हूँ, तो ये होने के चांसेस बहुत कम है। और आप एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अगर आपको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, आपके म्यूज़िक के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, तो आपको ये एड्स करनी बंद करनी पड़ेगी। आप इसमें सिर्फ अपने पैसे, टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाके अपने YouTube पे कंटेंट पुश करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाना है। YouTube इज़ ऑल अबाउट एल्गोस, और एल्गोस को पुश करने के लिए आपको चाहिए होती है क्वांटिटी, क्वांटिटी को पुश करने के लिए आपको चाहिए कंटेंट, और आपको अपने YouTube पे काफ़ी सारा कंटेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल, आप अपने नए सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टूडियो सेशंस कर रहे हैं, तो उसका एक BTS बनाइए, वहाँ की एक शॉर्ट्स बनाइए। अगर आप अपना म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसका BTS बनाइए। अगर आप अपने सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका BTS बनाइए। अगर आप कोलैब कर रहे हैं डांसर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो सारा कंटेंट लेकर आप यूट्यूब पर डालिए। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 कंटेंट आप यूट्यूब पर डालिए, ताकि आपकी एंगेजमेंट इंप्रूव हो, आपका एल्गो में आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादा पुश हो, और जब आपका एक्चुअल सॉन्ग आने वाला है, कंटेंट आने वाला है, जिसके लिए सारी चीज़ें की जा रही है, तो उसको एक्चुअल रीच मिल पाए, लोग जो आपके कंटेंट को थ्रू आउट देखते आ रहे हैं वो आपके कंटेंट को टाइमली चेकआउट कर पाए, और उस नई मिली रीच जो आपको, जो नई रीच मिल रही है, इसके थ्रू आप इजीली अपने सॉन्ग को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करो। गाइस आप अगर नॉर्मली आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देखते हैं, मेरे यूट्यूब पर जाकर देखते हैं, तो पिछले 1 महीने से मैं कॉमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं अपने आज तक के हर वीडियो पर हर कॉमेंट को मैंने रिप्लाई किया। लास्ट ईयर मैंने 3.5 लाख कमेंट्स को रिप्लाई किया। यस गाइस, 3.5 लाख कमेंट्स को रिप्लाई किया अपने यूट्यूब चैनल पे। इससे एंगेजमेंट बढ़ती है, इससे आपका एक बॉन्ड बनता है आपके सब्सक्राइबर्स के साथ, आपके लिसनर्स के साथ, तो ये आपको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंगेजमेंट बढ़ाओ अपनी, इंटरेक्ट करो, और इसके अलावा आपको जो नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आपको अगर एड्स भी चलाना है तो आपको एड्स कहाँ चलाना है, आपको एड्स चलाना है स्पॉटिफाई पे। यस गाइस, क्योंकि स्पॉटिफाई पे लोग बैठे हैं नया म्यूज़िक डिस्कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, उससे बेटर का प्लेटफॉर्म है नहीं म्यूज़िक का आज की डेट में ग्लोबली। तो स्पॉटिफाई पे अपने ऐड रन कीजिए, इंस्टाग्राम के रील्स पे अपने ऐड रन कीजिए जो कि लिंक्ड हो आपके म्यूज़िक के साथ ऑन स्पॉटिफाई, या फिर आपके खुद के प्रोफाइल को इंस्टाग्राम पे बड़ा करने के लिए शॉर्ट रील्स के थ्रू प्रमोट करने के लिए आप एड्स रन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आप साउंड क्लाउड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आप देखें तो शुभ, AP डिलो और जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके नंबर्स एक्सपोनेंशियली फटे हैं, ये सारे कहीं ना कहीं साउंड क्लाउड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इनके एक बहुत मैसिव फैन फॉलोइंग वहाँ पर है। क्यों? क्योंकि साउंड क्लाउड पे एक्टिव है, और साउंड क्लाउड पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पुश करते रहते हैं, अपने कंटेंट को पुश करते रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप गाइस, जब भी आप अपने सॉन्ग को प्रमोट कर रहे हैं तो सबसे पहले के 15-20 सेकंड जो होते हैं वो सबसे क्रूशियल होते हैं। अगर आप अपने किसी भी सॉन्ग का ऐड लगा रहे हो, यूट्यूब एड भी अगर आप लगा रहे हो, तो वहाँ पर जो 15 सेकंड का आप जो कट काट रहे हो, आपके सॉन्ग का सबसे बेस्ट पार्ट होना चाहिए, सबसे कैची पार्ट होना चाहिए। अगर आप ऐड लगा रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, स्पॉटिफाई के लिए, यूट्यूब के लिए, किसी के लिए भी, तो 15 सेकंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल सेकंड्स ऑफ योर वीडियो। तो वो जो आपको टाइम ड्यूरेशन, आपको जो अपना कंटेंट पीस का आपको कट करना है, एडिट, वो इस हिसाब से करना है कि सबसे कैची पार्ट हो, सबसे ऐसा पार्ट हो जो कि फटाफट लोग जिसके साथ रिलेट कर पाए, उनको पसंद आ जाए, ताकि इवेंचुअली आपके स्पॉटिफाई के म्यूजिक सेक्शन में या फिर यूट्यूब पर अगर आपकी जो एड्स चल रही है उसका रिजल्ट आपको वहाँ पर देखने को मिले। तो आई एम श्योर गाइस कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने के लिए, और कुछ टूल्स और टिप्स जो मैंने आपको बताए जिसके थ्रू आप इजीली अपने म्यूजिक को यूट्यूब और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर सकते हैं। इस वीडियो को एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप विद लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।